मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। एक बार आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, क्या ही मांग रहे हैं आपसे? वो सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि वो औरों से कह सकें कि हमारा बच्चा डॉक्टर है। आपको पता है, जिस टाइम पे मैं बीएससी की तैयारी कर रही थी ना, मेरे घर में कोई भी आता था तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी, और कोई मुझसे मिलना भी नहीं चाहता था सही बताऊं तो। पर मैं रूम में बैठी इतना जरूर सुनती थी कि वो पूछते थे कि हाँ क्या कर रही है शिवानी, तो मेरे घर वाले कुछ देर के लिए रुक जाते थे, फिर जवाब देते थे कि हाँ बीएससी कर रही है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे कि अच्छा कोचिंग तो ली थी उसने, ड्रॉप भी लिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन सुन के मुझे खुद में इतना गुस्सा आता था। आपको पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सिलेक्शन के बाद? कि वो अब खुद मिलना चाहते हैं मुझसे, कंग्रेचुलेशन करते हैं, और मेरे पेरेंट्स भी इतने प्राउडली बोलते हैं कि गुड़िया का एमबीबीएस में हो गया। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो लोग अब आपसे कह रहे हैं ना कि अच्छा इस बार भी नहीं हुआ, फिर वो बोलते हैं क्यों आप बच्चे की साल खराब कर रहे हो, इसका नहीं होना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद वही लोग आपको बोलेंगे बच्चे ने हिम्मत नहीं मारी, क्योंकि अब मुझे यही सुनने को मिलता है। सब मुझे यही बोलते हैं शिवानी ने हिम्मत नहीं आ रही, और लास्ट में देखो एमबीबीएस लेके ही मानी है। तो वही आपके साथ होगा। तो लोगों की बातें सुन के तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना आप, कि लोग कह रहे हैं कि आपका नहीं हुआ और नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है, मुझे काफी लोगों ने यही बात बोली थी, मतलब मेरे पेरेंट्स को बोली थी, क्यों इसके साल खराब कर रहे हो, जिसका होना होता है उसका एक बार में हो जाता है, इसका नहीं होने वाला कभी भी। लेकिन मेरा हुआ, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं आ रही सच में। तो यही मोटिवेशन है यार, कि एक बार पेरेंट्स की तरफ देखो कि वो आपसे क्या ही मांग रहे हैं। सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि वो लोगों का मुंह बंद वो कर सके, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? आपसे वो किडनी तो मांग नहीं रहे आपकी। एक कुछ महीने पढ़ के अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप अपने पेरेंट्स की जिंदगी बदल सकते हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? रीजन बताओ मुझे। चलो आप मोटिवेट तो कर दिया, अब बात करते हैं कि 650 कैसे स्कोर करना है, कैसे आपको अपनी एक सीट लेनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास राइट और प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। इन क्लासेस में तो आपको पता ही है क्या होता है, कि क्लास के जो टॉप 100 बच्चे होते हैं उनको अलग से बिठा दिया जाता है, उनका एक अलग बैच बना दिया जाता है, और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ताकि वो नाम रोशन कर सके आपके इंस्टीट्यूट का। और जो एवरेज बच्चा होता है वो एवरेज ही रह जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, तो आपको गाइडेंस मिल ही नहीं पाती। लेकिन 650 स्कोर करने के लिए जरूरी है कि आपको गाइडेंस मिले, तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टवर्दी और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म मैं आपको बताती हूँ, जिसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, वो है mentorme.in। तो वो आपको 3 days फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंकर 1, 78, 216, 575, 612, 1356। तो इनसे आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो फ्री 3 days मेंटोरशिप के लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें गूगल फॉर्म को फिल करो। सीट्स काफी लिमिटेड है और इस प्लेटफॉर्म से काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। आउट ऑफ 280 में से 62 बच्चों को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और 30 स्टूडेंट जो है वो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं विद इन 2 months में। तो ये वो बच्चे थे जो एग्जाम से 2 महीने पहले 400-500 स्कोर कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर उनका सिलेक्शन हो गया। तो टॉपर को टॉपर तो हर कोई बना सकता है, लेकिन एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन, उसको टॉपर बनाना mentorme.in का काम है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको टॉप एम्स लाइक दिल्ली भोपाल वाले बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसे मेंटर मिलेंगे जिन्होंने खुद काफी स्ट्रगल करके नीट में टॉप किया है, ताकि आप उनसे इजिली कनेक्ट कर पाओ, और वो आपको स्ट्रेटेजीज प्लान बताएंगे जिससे आप इजिली अपना स्कोर बूस्ट कर सको। और इस प्रोग्राम से आपको 2000 क्वेश्चंस का फ्री क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। तो अगर आपको इसमें इनरोल करना है, तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें गूगल फॉर्म को फिल करो, और 3 days के लिए फ्री है, लिमिटेड सीट्स है। सेकेंड पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी अपने टाइम पे, तो आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। बाकी यार हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है, कुछ बच्चे लाइक कोचिंग जाते हैं, कुछ घर बैठ के पढ़ते हैं, तो अलग अलग होता है उनका। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही पॉइंट कहना चाहूंगी जो सब में कॉमन होता है, कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना एक सेकेंड का भी। आप ये मत सोचो कि मैंने अब 2 घंटे पढ़ लिया तो मुझे 1 घंटे रेस्ट करना है। आप उस रेस्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि मैं कैसे यूटिलाइज करती थी उस टाइम को, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि इन महीनों में आप अपने जो ऐसे दोस्त हैं जो अदर कोर्स कर रहे हैं, आप उनसे कम थोड़ा लिंक रखना, क्योंकि ऐसे बच्चों को देख के आप काफी डिमोटिवेट फील करते हो। क्योंकि आप जब देखते हो ना कि वो अपनी लाइफ में इतने मजे कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं। एमबीबीएस कोर्स में और बाकी कोर्सेज में कितना डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप उनको देख के डिमोटिवेट होते हो कि वो अब फिलहाल शिमला घूम रहा है, वो फिलहाल गोवा घूम रहा है,
तो ऐसे बच्चों से फिलहाल दूर रहना, सिर्फ ऐसे बच्चों के कॉन्टेक्ट में रहना जो बताएं कि मैंने इतने चैप्टर रिवाइज कर लिए, मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चे रातों की नींद खराब कर रहे हैं सेलेक्ट होने के लिए, तो आपको अपने कॉम्पिटिशन का पता होना चाहिए। आपका कॉम्पिटिशन आपके घर वाले भाई से नहीं होगा, आपके ऐसे दोस्त से नहीं होगा जो बीएससी कर रहा है, जो बीए कर रहा है, ऐसे बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने ढाई महीने में लाइक 5-6 घंटे में सोती थी, तो यार वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका वो 4-5 घंटे सोना अगर आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, तो आप 7 घंटे सो, क्योंकि लास्ट में क्या है, आपकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी आप पढ़ सकते हो। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आपसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि मुझे सिर्फ बहुत कम सोना है और पढ़ते रहना है। मेरा उस वीडियो में ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप अपनी हेल्थ को खराब करो। मैंने खुद ये बताया था, अगर मुझे आईज में प्रॉब्लम हो जाती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही 5 घंटे सोती थी, तो उस दिन मैं 8 घंटे भी सोती थी। तो आपको अपना खुद ध्यान रखना है, आपको अपनी खुद की जरूरतें खुद पूरी करनी है, तो सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को सुना और आप उसकी सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करनी होती ऐसे। यार हर किसी की बॉडी अलग होती है, आपको क्या पता क्या क्या दर्द होंगे। काफी बच्चे हैं यहाँ पे जो कमर में दर्द होता है, जो मेरी एक दोस्त है यहाँ पे MBBS में, वो बताती है कि उसको लाइक हमेशा से कमर में दर्द होता था, तो वो अपने हमेशा दुपट्टा बांध के कमर पे फिर वो पढ़ती थी। तो यार स्ट्रगल सब कर रहे होते हैं, समझो इस बात को। यही चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है कि आप हिम्मत नहीं हारते। हर किसी के अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, कोई किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होता है, हर किसी की डिस्ट्रक्शन भी अलग अलग होती हैं, तो आपको अपना खुद देखना पड़ेगा। बस जो एंड रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि आप उन डिस्ट्रक्शन से फाइट करके आपको सिलेक्शन लेना है। तो बस कमर कस लो अपनी और 4 महीने बचे हैं, ढंग से पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, न्यू ईयर पे मुझे वीडियो डालनी चाहिए, ताकि आप अच्छा अच्छा फील करो और पढ़ने बैठ जाओ। बस अपना एक नई शुरुआत करो जिंदगी की। आपने अभी तक कुछ भी किया वो भूल जाओ, आप बस याद रखो कि आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से मुझे अच्छे से पढ़ना है। आपके पास पूरे 4 महीने बचेंगे 1 जनवरी से। जो वो 7 दिन है वो काउंट मत करना, क्योंकि बीच में होली वगैरह बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं जो काफी डिस्ट्रैक्ट आपको कर देती है ना चाहते हुए भी। तो आप मान के चलो कि आपके पास 4 महीने हैं। कमेंट्स में मुझे बताना आपको कोई भी दिक्कतें हो, जो मैं बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में जो मैसेज करेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।